जेनरलोरे कन्वर्ट आई एम कोजिकोरे जेनरल एटी एट पे और ले जाओ मिनिमम कैट परसेंटाइल एटी एट है तो मैं अगर इस तरह से बोलना है, स्टार्ट कर दू तो मैं एज ए गुरु एज ए मेंटस्ट एज ए गाइड नहीं दिखूंगा मैं दिखूंगा बस कंडक्टर की आई एम कोजिकोरे एटी एट और सीट बढ़ रही है ले जाओ तो मैं आपको बस कंडक्टर की तरह मिसगाइड नहीं करूंगा मैंने आपको हर एक स्टेज में बताया है कि मैं हमेशा आपको दूंगा क्या बेस्ट नॉलेज डिटेल्ड नॉलेज जो आपके चाहे तो एग्जाम हो या आपका वे पी हो या उसके बाद की लाइफ हो या आपका रियल लाइफ हो आपको हेल्प करेगा तो ये बोलना है कि व्हाट इज द मिनिमम कैट परसेंटाइल फॉर द एनी आई एम्स टॉप बी स्कूल इतने कैट परसेंटाइल पे कन्वर्ट होता है ये आपको लोग बेवकूफ बना रहे

स्कोर क्या था तो अगर आप मेरे इस चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो है, is, उनका जो है, है आप देख लो। मैं आपको विद्प ऑफ आर टी आई डेटा एंड इन साइड इंफॉर्मेशन एंड बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियली अवेलेबल है कोई ज्ञानबाजी नहीं कुछ भी नहीं तो चलो स्टार्ट करते हैं आई एम के का सिलेक्शन क्राइटेरिया इस वीडियो में बात करूंगा स्टेज वन एंड स्टेज टू राउंड

Cat with the 99 .99 and 99 cat तो मतलब जब मैं स्टूडेंट था एज आपके जैसा था तो ये मेरे स्कोर है उसके बाद मेरे कैट के स्कोर क्या रहे उससे कोई मतलब नहीं होता एज ए में आप जब कैट देने जाते हो या विदाउट एनी प्रेशर जब आप कैट जाते हो तो ऑब्वियसली कैट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो इफ आई गेट हंड्रेड परसेंटाइल ऑल दाइनटी अगेन फॉर द जैट बिकॉज डिसेंट मोर देन इससे ऊपर हंड्रेड देते नहीं है देते होंगे अभी नया हो गया बट हमारे टाइम में इज द 99

ऑनलाइन मॉड्यूल कोई भी इतना पूरा नहीं है विद ऑल रिजल्ट नहीं है तो एडमिशन हो चुका है विदेन परसेंट डिस्काउंट इस पर एडमिशन आपको 10 परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा टिल 16 जनवरी जाइए ले लीजिए मैं आपको ये बोलता हूं मैं कभी भी कोई काम करता हूं तो रिसर्च करके पूरा करता हूं और खासकर यहां पे मैथ्स डी आई मैं ही ले रहा हूँ इंग्लिश वर्बर रोहित सर ने जो पढ़ा दूंगा उससे बाहर तो नहीं पूछेगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या ट्वेंटी बट अभी सारा दिमाग है तो अगर आप लेना चाहते हो ले लो या अगर आप भी भी फोकस करो का एडमिशन प्रैक्टिस बैच ओपन हो चुका है जिसका एग्जाम फरवरी या मार्च में होगा क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट होगी अगर आप वीडियो लेट से देख रहे हो तो क्लासेस स्टार्ट हो गए तो सीमेंट अगर आप टारगेट कर करो जाओ एडमिशन ले लो तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आई एम कोजी जी कोरे का इंट्रोडक्शन अगेन मैंने कहा कि हम टॉप बी स्कूल के इंट्रोडक्शन के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करते हैं क्यों क्योंकि आप अभी बेगस हो आपको बस पहले कन्वर्ट कर लो कुछ कॉल देन डिसाइड करेंगे कि उनका जेंडर लोग क्या है उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है बट अगर आप देखना चाहो तो दिस इज द गॉड्स ओन आयाम से इसको देखा जाता है मतलब ये भगवान का अपना आयाम है बिकॉज इट्स इन द केरला वेबसाइट बहुत खूबसूरत है इनका कैंपस बहुत खूबसूरत है इनकी प्लेसमेंट बहुत खूबसूरत है मतलब मिला जुला के सब कुछ बहुत खूबसूरत चढ़ रहा है इसका क्या मतलब है एक ऐसा आयम्स है जिसके बारे में सोचा जा सकता है जितना चाहिए जा सकता है मैंने क्यों बोला बिकॉज कुछ लोगों को बस एबीसी चाहिए मुझे बस एबीसी चाहिए एक्स चाहिए बट ये एक ऐसा आयम्स है जिसमें जाना चाहिए जाया जा सकता है तो आप इसमें कब जाना क्यों जाना चाहिए क्यों नहीं जाना चाहिए हम तब डिस्कस करेंगे जब आपके पास कन्वर्ट्स होगा मतलब इन द मंथ ऑफ अप्रैल में अभी हम आते हैं कि ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कोर्स का इनका पॉलिसी क्या है इनका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है तो इन्होंने रिलीज कर दिया है पीडीएफ आप इनके वेबसाइट से भी जाके देख सकते हो मैं इसी सारे पीडीएफ के हिडन इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूंगा कि इस पीडीएफ में इन्होंने क्या क्या बोला बोला है क्या नहीं बोला है नहीं क्योंकि हिडन में भी आपको बहुत कुछ समझ नहीं आएगा बाकी लोग बस आपको एक्स वाई एक्सपर्टी बता के चले जाएंगे बट इन साइड स्टोरी शायद उनको भी पता नहीं हो या उतना बताते नहीं है लेकिन जब हमें हिडन इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है उतने बड़े पीडीएफ को जब हम पढ़ेंगे समझेंगे देन जाके आपका आशी इंप्रूव होता है आपका डीआई इंप्रूव होता है बहुत कुछ इंप्रूव होता है

हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया तो देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझीकोडे पीजीपी एडमिशन पीजीपी प्रोग्राम एडमिशंस 23 25 बैच ये जो बैच नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ कैट 2022 के रिजल्ट्स पे आईएम के अडॉप्ट्स अ थ्री स्टेज प्रोसेस देखो ये थ्री स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस होता है इट्स एडमिशन टू पीजीपी दिस मतलब आ, बाकी का क्या होता है दो स्टेज प्रोसेस होता है WAT PI एंड देन

आपका क्या है कैट ट्वेंटी ट्वेंटी आपका मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स है जो सीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा अगर आप सी एस हो तो ग्रेजुएशन में आपका सिक्सटी मार्क्स होगा या अगर आप सी एस्यू एस सी हो तो मिनिमम फिफ्टी मार्क्स होगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है Then,

रजिस्ट्रेशन है वो आय के लिए रजिस्ट्रेशन है आपने रजिस्टर किया है आम के लिए रजिस्ट्रेशन है आप देख वुड बी कैलकुलेट ऑन बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट दैट अपियस इन द मार्क्सट मतलब जो कैट में आपने फिल किया है उसके बेसिस पे होगा बेस्ट फोर बेस्ट फाइव के बेसिस पे नहीं होगा आपने जितने भी एग्जाम दिए यहाँ पे होगा

क्या है 15% है एकेडमिक और जेंडर डाइवर्सिटी चाहे तो आप फीमेल हो या आप ट्रांसजेंडर हो या आप नॉन इंजीनियर हो इस तीनों में से अगर किसी में भी आप एक हो किसी में भी एक हो तो आपको 10% का एकेडमिक डाइवर्सिटी मिल जाता है वोंकेक्स का टोटल 5% है तो देखो नॉन इंजीनियर्स होना भी यहां पे एक वर्चू रखता है कि अगर आप नॉन इंजीनियर हो इवन आप मेल नहीं हो मतलब पंगा जिम को ही है पंगा किसको है जिम को जिम का मतलब तो आपको पता है जनरल इंजीनियर मेल इन्हें प्रॉब्लम है क्योंकि तो 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 क्या गलती है माइनॉरिटी में, मतलब में नहीं है तो उनको क्यों प्रताड़ित किया जाए बट उन्होंने कहा कि ठीक है डाइवर्सिटी के नाम पे, ये वर्ल्ड में चल रहा है तो हम भी चलेंगे द नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड वुड ब्रिप्शन एंड वुड डिपेंड अपॉन द बैच साइज प्लान फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर तो हम जो शॉर्टलिस्ट करेंगे वो बैच साइज के हिसाब से करेंगे अगर बैच साइज इंक्रीज होगा तो ये कंपोजिट स्कोर को भी इफेक्ट करता है कैट इंडेक्स स्कोर देखो ये इतना इजी नहीं है जितना आपको दिख रहा है स्केल्ड स्कोर फ्रॉम द थ्री सेक्शन इक्वल वेटेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक आई एम बैंगलोर में वेटेज अलग अलग था बट हम क्या करेंगे हम इक्वल वेटेज आपको देंगे सारे सेक्शन को कैट विल बी कंसिडर्ड फॉर कंपिटिशन ऑफ कैट इंडेक्स स्कोर अब यहां पे क्या है VA, VA. VA, QA. ये सब बातें जो आपको बताता है ना लोग अगर डीप नॉलेज होगा तभी अदरवाइज तो सब तो आपको बाहर के ऊपर के ज्ञान देके निकल जाएंगे सेम यही होता है जब आप वी ए डी आई एल आर पढ़ते हो कैट के लिए तो बस आपको वही बताते हैं कि कैट में ऐसा पूछा था ये पूछा था

अदर क्या करते हैं, मैं 65 को 195 पे करूंगा, और 45, यहां ये नहीं करती है। है, है, मैं बोलता हूं कि से वीडियो कि करके सोचना अगर तो 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 ये कैसे होगा? है, तो कैसे होगा? होगा? बोलोगे, तो को 45 के पास लेके आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो ये करते क्या है इन्होंने कहा कि अगर 45 तो हम 15% वेटेज इसे, इसे देते हैं और परसेंट वेटेज इसे देते हैं। कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करने का हम कैलकुलेट कैसे करते हैं 20 आउट ऑफ 72 इन टू आपका 20 मार्क्स आया है आउट ऑफ 72 में इफ 15 मार्क्स होता तो क्या होता बिकॉज ये वी एस का पेपर था डीएलआर किसका था 60 का पेपर था और क्यूए जो है 22 का मतलब 66 का पेपर था तो हम 66 को 15 पे लेके जाएंगे 66 में अगर 15 है तो 1 में 15 अपॉन 66 into 15 जाएगा 30 आउट ऑफ 66 into 15 जाएगा और हम इक्वल वेटेज लगा के ये सबको ऐड कर देंगे दिस इज व्हाट माय कैट इंडेक्स स्कोर ये आपका कैट इंडेक्स स्कोर है तो आप खुद से कैलकुलेट करोगे कर तो इतना तो नहीं कैलकुलेट करोगे कर तो मैं आपके लिए

ये मैंने लास्ट ईयर भी यही किया था लोगों के बीच नहीं थे तो होता यही है हो 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 या क्लास टेंथ हो, या स्कोर हो या क्लास परसेंटेज मतलब का और ये जो मेरा है, ये 15 का है. हम इसे क्या करेंगे वुड बी कैलकुलेट बेस्ड एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट डाटअ सारे सब्जेक्ट होना चाहिए द एस एस सी

कैट स्कोर निकालना है हमें टेंथ ट्वेल्व का स्कोर निकालना है जेंडर और दिस अब जेंडर में क्या है मैं आपको बताता हूं मार्क्स आर अवार्डेड फॉर द जेंडर इधर जेंडर और एकेडमिक दोनों नहीं ओनली फीमेल और ट्रांसजेंडर को टेन पॉइंट्स मिल जाएंगे अगर आप फीमेल हो जैसे यू आर फीमेल और आप ट्रांसजेंडर हो आपको टेन पॉइंट मिल जाएंगे ठीक है अगर एंड दिस बैचलर डिग्री और अ कैंडिडेट डिसिप्लिन अदर देन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और आप नॉन इंजीनियर हो आप क्या है नॉन इंजीनियर हो तो आपको क्या मिल जाएंगे टेन बट दोनों नहीं मिलेगा एक ही कुछ मिलेगा इसका क्या मतलब है मिल किस को रहे हैं? हमारे नॉन इंजीनियर्स को टेन पॉइंट मिल रहे हैं कुछ फीमेल भी नॉन इंजीनियर्स के कैटेगरी में आती होंगी नहीं पूरे फीमेल को टेन पॉइंट मिलेंगे और ट्रांसजेंडर को भी पूरे टेन पॉइंट मिलेंगे पॉइंट्स तो के लिए नहीं होगा हम तो, तो हमारा कैट इंडेक्स स्कोर हमारा जेंडर आपको मिलेगा वर्क एक्स भी आपका कब से होगा जो वर्क एक्स काउंट हो रहा है इन्होंने एक अच्छी चीज करी है लेकिन सबके लिए की है दिसंबर थर्टी दिसंबर थर्टी फर्स्ट वर्क एक्स काउंट होगा आपका और मैं इसको बताऊंगा कभी कि आपके में आपको आई के क्या मानता है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड एमसी होना चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अगर आप, तो आप जानना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके इसको देख लेना आई एम के आखिर चाहता क्या है और इसके लिए भी जो इन्होंने काम किया है कि वर्क एक्स का पॉइंट कैसे मिलेगा सो so, वर्क एक्स का इन्होंने फाइव पॉइंट दिया है और इतना उत्पटांग पॉइंट दिया है कि

समझ जाओगे कि आखिर एग्जैक्टली क्या है तो उसमें आपको दिखेगा कि अलग अलग सीट पे अलग अलग मिल रहा है then उसके बाद आप क्या करते हो उसके बाद आप फाइनल शॉर्टलिस्ट करते हो फाइनल शॉर्टलिस्ट के बारे में मैं आज बात नहीं कर रहा हूं मैं बात किसके बारे में कर रहा हूं वैट पी कॉल स्टेज वन आपका जस्ट एक इंटरेस्ट फॉर्म है वो कि आप यू आर विलिंग टू गो फॉर द आई एम के दे फिल द फॉर्म देन उसके बाद स्टेज टू में वो शॉर्टलिस्ट करके आपको भेजेंगे होने के बाद आपका क्या क्या होगा देखना आपका पी होगा आपका वैट होगा और आपके प्रोफाइल को एक्सेस किया जाएगा और आपके CAT स्कोर को मिला के 35 -35 -20 का होगा। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है मतलब IMK, VAT और दोनों ले रहा है इस बार अभी तक यही है आगे हो सकता है अगर कोविड का कोई चेंज हो तो चेंज कर सकता है अभी तक वैट पी आई है आई एम केदराबाद कोलकाता कोजी कोरे मुंबई एंड न्यू दिल्ली। मतलब ये हम ऑफलाइन लेने का प्लान कर रहे हैं इवन ऑफलाइन अगर हम नहीं भी लेते हैं तो आपको इस सेंटर में विजिट करके ऑनलाइन प्रोसेस में पार्ट करना होगा तो आई एम केल के लिए आपको इन सारे सेंटर्स पे में से किसी एक सेंटर जो आपके बगल का है वो सिलेक्ट करना होगा और वहां पे वैट पीआई देना होगा और वी आर रेडी विथ वैट एंड पीआई मॉड्यूल मैं देखो थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ मतलब आपको ऐसा लगता होगा तो तो रहती है तो जैसे जैसे मुझे मिलता है, मैं वीडियो बनाता जाता हूं अभी मैं वैट में आपके क्वेश्चन को एड कर रहा हूँ जो आपका वैट पी का कोर्स एक्चुअली स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा ये सब कैट के बाद बट तो उससे पहले भी तो आपको रेडी रहना है ना तो वहां पे आप सेल्फ के साथ आगे बढ़ सकते हो आप अगर इनरोल करते हो और कोई भी डाउट होता है तो मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा आप उससे भी बात कर सकते हो एडमिशन बहुत लिमिटेड है वैट का तो ज्वाइन ज्वाइन कर लीजिएगा एंड करना ही करना चाहिए इफ यू यू थिंक कैन प्रिपेयर इट विद द सोलो और द सेल्फ आप कहीं ना कहीं गलत हो मैं आपको बता रहा हूं कैट के लिए सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ प्रिपरेशन कुड बी अ थिंग्स बट वैट पी आई के लिए यू नीड टू हैव वन मेंटोर वो चाहे आपका फ्रेंड हो या आपका सीनियर हो अकेले नहीं हो सकता है ये मान के जब तो वैट पीआई के लिए ट्रस्ट ब्लाइंडली तो नहीं बोलूंगा दिस ऑनलाइन मॉड्यूल हम, तो 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 हम लोग लेके आ रहे हैं अब हम देखते हैं कि चलो इतना तो सर आपने बता दिया जिसके लिए सबसे ज्यादा हम वेट करते हैं वो बताओ क्या है सेफ कंपोजिट स्कोर बेस्ड ऑन द आरटीआई क्या है सर आप मुझको ये बता दो तो लेट्स चेक सेफ कंपोज़िट स्कोर। अगर हम सेफ कंपोजिट स्कोर को देखना स्टार्ट करें एज पर दी आरटीआई लास्ट ईयर का तो ये जो है बहुत रिसेंट आया है जिन्हें थोड़े से अपडेट्स होते रहते हैं मिनिमम कैट परसेंटाइल देखो मिसलीडिंग है ये। ये तो ये जो है मिनिमम कैट परसेंटाइल अगर 88.37 पे कॉल आई है तो जेंडर वो फीमेल होंगी ट्रांसजेंडर होंगे नॉन इंजीनियर होंगी एकेडमिक्स अच्छा होगा तभी इसका कॉल आया होगा आप ये हो सकते हो नहीं भी हो सकते हो तो हम इसमें बात नहीं करते हैं इवन मैक्सिमम कैट परसेंटाइल 100 परसेंटाइल भी इसमें पार्टिसिपेट किया था ये देखिएगा हमें बात करना है मिनिमम कंपोजिट स्कोर जनरल का 65.681 ईडब्ल्यूएस 57.701 एनसीओबीसी द 56.433 एसटी इज इक्वल टू 40.591 एसटी And the PWD is यही है. से हमें कोई मतलब नहीं है कि हम इतने तो आएंगे जब मैंने उनसे पूछा कि जनरल इंजीनियर नॉन इंजीनियर का भी बता दो अलग अलग ना कितना मजा आ जाएगा कि जेनरल इंजीनियर का कितना होता है नॉन इंजीनियर का डेटा नहीं, नहीं, नहीं है डेटा रेडली अवेलेबल डेटा हमारे पास अवेल नहीं है इसको ट्रैक नहीं कर रहे थे आपको मैंने ये भेज दिया आप ये देख लो तो हमने इसके बेसिस भी बहुत कुछ करना चाह देखो लास्ट ईयर कैट में स्कोर्स लोगों के ज्यादा आ रहे थे एट सिक्स मार्क्स

तो enable content होगा आप उसको क्लिक करना तभी होगा एल्स नहीं चलेगा मैंने कहा कि चलो ठीक है वर्क बुक राइट नाउ कंटिन्यू करो हमने कहा ठीक है इसको continue करते हैं आप इसमें कहीं पे भी क्लिक करोगे तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो लोग बोलते हैं कि पासवर्ड बताओ कहीं पर भी क्लिक करोगे लेकिन आपको जहां पे फिल करना है ना वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है

के के बाद मैं आई करूंगा एस करूंगा उसके बाद न्यू आई एम्स एफ एम एस को एक सी साथ कवर कर देंगे तो, तो वो मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ अब इस चैनल करवाइनल बने रहना एंड मैं एक ही स्टेज पर बोलता हूँ कि प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे एंड कुछ कमेंट कर दिया करो जिससे जो हमारी मेहनत है

अ डेस्कटॉप या लैपटॉप मोबाइल पे भी काम करेगा मैं मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन हम इसे यूज अगर डेस्कटॉप लैपटॉप पे तो ज्यादा होगा सबसे पहले आपको करना क्या है आपको अपने में जाना है। जो भी है। आप कहीं भी फिट करोगे तो नहीं लेगा पासवर्ड प्रोटेक्टेड है बट ऐसा कुछ नहीं है आपको यहाँ क्या करना है अब देखो ये सब कुछ डेटा नहीं दिख रहा है जहां पर इंटरव्यू स्कोर है इसका मतलब हमें ये थोड़ा पतला हो गया टफ मोटा हो गया मतलब

क्योंकि तमिलनाडु और तेलंगाना बोर्ड्स में मार्क्स परसेंटेज में बहुत बार मिले हैं लेकिन सीबीएसई बोर्ड में मार्क्स ग्रेड में मिले हैं तो तेलंगाना और ये सब जो बोर्ड है अगर उनका 98 परसेंट मार्क्स आता है तो 98 परसेंट ही लिखते हैं लेकिन सीबीएसई बोर्ड 95 लिखती है तो यहाँ पे छोटा सा एरर है आई डू एक्सेप्ट मैंने कहा चलो मैं सीबीएसई बोर्ड से हूं मान लेता हूं और मेरे मार्क्स आ रहे हैं नाइनटी फाइव टेन यहां जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं नाइनटी ठीक है 92, मैंने ट्वेल्थ स्ट्रीम जो किया है वो मैंने किससे किया है ट्वेल्थ स्ट्रीम जो है मेरा मैंने कॉमर्स से किया है या साइंस से किया मैंने मैथ्स लिया चलो ट्वेल्थ स्ट्रीम मैंने मैथ्स लिया मैं नॉर्मल रहा हूं मैं क्या मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का हूं मतलब व्हाट आई एम मैंने मैंने कहा कि मैं आर्ट्स का हूं इकोनॉमिक्स लिया तो मैं यहां पे वन डाल दूंगा आप जहां पे भी मार्क्स फिट कर सकते हो मार्क्स फिट करो और बाकी डेटा को जीरो लेने देना आप आर्ट्स से हो जेंडर आपका क्या है जेंडर आपका फीमेल है मैंने फीमेल डाल दिया कैटेगरी हम क्या है कैटेगरी हम ओपन है

यहाँ है तो मैंने यहाँ वन डाल दिया क्या मुझे और कुछ देना है नहीं मुझे और कुछ नहीं देना है पूरा मतलब जब डीप नॉलेज जाता है ना तभी आप जाके कुछ अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करते हो तो हमें डीप नॉलेज मुझको इनकलकेट करने का बहुत पुराना और बुरा आदत है हमने डेटा फिट कर दिया आप अपने एक्सपेक्टेड कॉल्स में आ जाओ एक्सपेक्टेड तो कॉल्स में आयम ए ये हमेशा एक डाइसी केस होता है तो मैंने कहा कि आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि आपका ये केस है तो कॉल्स आएगा या नहीं आएगा या आप आई ए की सीट में जाके देख सकते हो कि प्वाइंट सिक्स सेवन है बट आपका स्कोर पॉइंट फाइव फोर आ रहा है तो शायद आपको कॉल्स नहीं आए हो सकता है आपको कॉल्स नहीं आए लेकिन आप किस कैटेगरी से थे इसको चेक कर लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है ए हमेशा डाइसी होता है बिकॉज उसके साथ ए होता है ए होता है बहुत कुछ होता है लेकिन आई बैंगलोर का बॉर्डर लाइन है चांसेस है कि कॉल्स आ जाए

कि जितने भी मेंटर्स हैं 55, 60 जितने भी मेंटर्स हैं वो अपने खुशी के लिए आते हैं अपने फुलफिलमेंट के लिए आते हैं एंड दे ट्राई टू गिव योर बेस्ट उनके हिसाब से हमें चलना पड़ता है मेरे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा बिकॉज दे आर वर्किंग प्रोफेशन दे आर सम टीचर्स ऑल्सो हैं वो प्रोफेसर ऑल्सो हैं दे आर इन द कॉलेज तो आपको पता होगा कि रियल लाइफ में एमबीए क्या होता है उनको पता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी जगह क्या होता है ना मैं आपको बताता हूं बाकी जगह होता क्या है कहा यह है लाइक आई एम के आई एम के में आप सेफ हो मतलब आई एम के से आपका सेकेंड राउंड का कॉल आएगा अगर आपने फर्स्ट राउंड को फॉर्म को सही बढ़ाया तो आपको क्या करना चाहिए अपना वैट पी आई स्टार्ट करना चाहिए

आप जेंडर और कैटे दोनों डाइवर्सिटी लेके हो, बट आपका टेन पॉइंट होगा वर्क में आपको मिल रहा है आप डेटा तो आउट कर दो एंड अपने एक्सपेक्टेड कॉल्स को देख लो सीवी एट का एडमिशन ओपन हो चुका है इस बार हम लोग ने सिक्सटी कॉल्स से ज्यादा को रखा है तो आप सीवी को जाइए ज्वाइन कर लो इसमें बहुत सारे कॉल्स हैं लाइक like, इसमें मैंने इर्मा नहीं रखा हुआ है बट इर्मा के लिए भी हम सीवी ओपन करते हैं तो आप आइए सीवी में आपका स्वागत है वैट पीआई की तैयारी आपकी कैट तैयारी से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है बहुत ज्यादा प्रिपरेशन होता है तो मैं बोलता हूं कि दिस इज वॉट स्कूल कैक्यूटर लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन आप उसको जब क्लिक करोगे वो डायरेक्ट डाउनलोड लिंक है आपके डिवाइस में एक्सेल एक्सएलसी डाउनलोड हो जाएगा आप उसको आराम से देख सकते हो और उस पर काम कर सकते हो दिस इज वॉट

इन दिसर अगर वीडियो लास्ट से बहुत लेट से देख रहे हो तो हमने ए बीसी शेयर कर दिया है क्या नहीं हो रहा है इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिल जाएगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक like कर देना बिकॉज एक लाइक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है आप यहां तक अगर देख रहे हो ये लाइक टीम के लिए मोटिवेशन बनता है चैनल के लिए ग्रोथ का, का काम करता है एंड कमेंट उसको और भी बेटर बनाता है तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी कॉन्सेप्ट किसी क्वेश्चन या किसी इंफॉर्मेशन इसी चैनल पर तो आप टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो नंबर्स आपका स्टोर हो रहा है डबल नाइन जीरो जीरो फाइव जीरो वन फाइव नाइन आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो उनको कॉल कर सकते हो इफ यू वांट टू टॉक टू मी मेरे सोशल हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप मुझे डायरेक्ट सोशल बात कर सकते हो या जो टीम का नंबर है उस पर आप बोल सकते हो कि आप कनेक्ट करवा दीजिए मुझसे वो मुझसे कनेक्ट करवा देंगे मेरे फ्री टाइम में मैंने बेस्ट देने की कोशिश की है देता रहता हूं आप दो अपना बेस्ट एंड रिजल्ट तो पॉजिटिवली क्रैक करेंगे माई सिर्फ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गॉड बेस्ट यू हैप्पी लर्निंग एंड